हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग कॉपी लिखे एग्जाम में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। हम लोग एग्जाम में जाते हैं और वहां पे लिखते भी हैं, और हम लोग कभी कभी तो ऐसा होता है कि 100% मार्क हमने कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर है हमने 100% दिए, बट जब आंसर देखते हैं तो जब हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट में देखा हमने कि केवल हमको 50 मार्क्स मिले हैं, केवल हमको 60 मार्क्स मिले हैं, क्यों नहीं 90 मिले, क्यों नहीं 95 मिले। इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या करें कि जिसके थ्रू हम लोग 90 और 95 मार्क्स तक पा सके, और अगर आप उससे भी अच्छा पढ़ाई कर सकते हो तो 99-98% तक आप पा सको। दोस्तों, सबसे पहला जो आपके ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि कुछ भी आप लिखते हो, देखो क्या होता है कि आप एक स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट की नज़र से देखते हो, और मैं एक एग्जामिनर हूँ, मैं कॉपी चेक करता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ एक बच्चे की कॉपी के अंदर, मुझे क्या चाहिए, ये व्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले जब मैं कॉपी चेक करने के लिए बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि किसकी कॉपी में क्लीन क्लीन लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, जिससे कि मैं जल्दी जल्दी कॉपी को रीड करके कम समय में, क्योंकि देखो सबको समय बचाना होता है, कम समय में ज़्यादा कॉपी चेक कर सकूँ। उसमें जिस बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से हेडिंग डाला है, क्योंकि हम सबसे पहले हेडिंग देखते हैं, हेडिंग से हम समझ जाते हैं कि इसको आता कितना होगा, और हेडिंग डालने के बाद जिसने साफ साफ लिखा है, ठीक है, वो उसका कॉपी हमारे माइंड में सबसे ज़्यादा स्कैन करता है, और उसको हम लोग देख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर उसको देने की कोशिश करते हैं। सेकेंड चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट हम लोग ये देखते हैं कि आपने क्या किसी चीज़ को समझाने के लिए किसी डायग्राम का यूज किया है। अगर मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करूँ तो कंप्यूटर में क्या आपने फ्लो चार्ट बनाया है, तो मैं फ्लो चार्ट की ओर देखता हूँ। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो अमीबा का क्या आपने फोटो बनाया है, अमीबा का डायग्राम बनाया है क्या आपने। अगर मैं बात करूं मैथ्स की, मैथ में प्रॉपर प्रूफ हुआ है तो उसको ब्रैकेट में लिखा है क्या, हेंस प्रूफ, हम लोग नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, प्रूफ लिख के डबल क्लिक कर देते हैं, हमें नहीं दिखता वो, हेंस प्रूफ पढ़ना पड़ता है, हम खोजना पड़ता है कहाँ पे हेंस प्रूफ है। तो अगर हमें ये मिल जाए कि यहाँ पे हेंस प्रूफ है और यहाँ पे प्रूफ लिखा हुआ है, हम बहुत जल्दी कॉपी चेक कर सकते हो और बहुत ही अच्छा मार्क्स आपको देते हैं। डायग्राम जो भी बनाइए, डायग्राम पेंसिल से बनाइए। जब आप पेन से डायग्राम को बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में डायग्राम क्लीन नहीं आता है, बट अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो हम लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को पता है कि H1 का यूज़ क्या है, H2 पेंसिल का यूज़ क्या है, कहाँ पे मोटा लाइन दिखाना है, कहाँ पे हल्का लाइन दिखाना है, ये चीज़ें भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करते हैं। तो कोशिश करो कि कोई भी डायग्राम अगर एग्जाम में बना रहे हो तो उस डायग्राम को पेंसिल के थ्रू बनाओ, और पेंसिल के साथ इरेजर भी रखो, तो जैसे दिखेगा कि क्लियर एकदम हमको डायग्राम दिखता है तो हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। बात करूं अगर मैं केमिस्ट्री की, कई लोग बोलते हैं केमिस्ट्री में सर मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, केमिस्ट्री में मार्क्स कम नहीं मिलते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी लिखते हो, और सिर्फ थ्योरी अगर लिखोगे तो हम उसको पढ़ना पसंद कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि थ्योरी कुछ भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने वहां पे केमिकल फॉर्मूला दिया है, केमिकल रिएक्शंस दिए हैं, तो हमें तुरंत समझना आसान हो जाता है कि अच्छा इसके पास नॉलेज है, इसीलिए इसने रिएक्शन मेंशन किया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, कई लोग हिस्ट्री में बहुत कम मार्क्स पाते हैं, क्यों पाते हो हिस्ट्री में कम मार्क्स, हिस्ट्री आप बोलो सोशल साइंस की बात कर सकते हो, तो क्यों हम लोग कम मार्क्स पाते हैं, क्योंकि हम लोग जब कोई चीज लिखते हैं तो डायरेक्ट थ्योरी लिखते हैं। अगर मैं बोलूं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो वहां पे आपने डेट लिखना चाहिए कि कौन सा डेट पे लिखा गया। जब आप डेट लिखते हो तो हमें पता चलता है अच्छा ये कुछ तो है जो इसको याद है, जिसकी वजह से ये बता रहे। अगर मैं कोई डिफिनेशन बता रहा हूँ, मान लीजिए मेंडलिप की अवार्ड सारणी बतानी है, तो वहाँ पे मेंडलिप के अनुसार डालिए, क्या डालिए, मेंडलिप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडलिप, तो हमें लगेगा अच्छा इन्होंने मेंडलिप के बारे में पढ़ा है। कोई भी डिफिनेशन दे रहे हो, एक कॉमन डिफिनेशन मत दो, साइंटिस्ट का नाम लिखो, जिसने भी साइंटिस्ट ने भी उस डिफिनेशन को दिया उसका नाम देने की कोशिश करो। अगर उसका पूरा नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, आधा नाम उसका लिखने की जरूर कोशिश करो। जब हमने मेंडलिप की अवार्ड सारणी के बारे में बताया तो वहां पे हमने लिखा मेंडलिप, और उसको हमने ब्लैक पेन से जब लिखा तो सामने हमें क्या हाईलाइट होता है, ओके मेंडलिप के अकॉर्डिंग इसने डिफिनेशन लिखा हुआ है, तुरंत मुझे समझ आ जाता है कि इस बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अगर किसी भी आप लाइक अगर आप बता रहे हो कि हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, या आप कोई और डेट बताना चाहते हो कि क्या बोलते हैं 26/11 का जैसे कांड हुआ था मुंबई का, ऐसा कुछ आप अगर लिख रहे हो तो उसको डेट के साथ अगर लिखते हो तो हमारे लिए ज्यादा समझ में आ जाता है, और हमें समझ में आ जाता है कि इस हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को पता है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था। लेकिन जब आप क्या करते हो कि सिर्फ और सिर्फ
लिख देते हो कि हल्दीघाटी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, वो हिस्ट्री याद करना आसान है। हम देखते हैं कि किसने सन लिखा है, ठीक है, और अगर कोई डिफिनेशन बता रहे हो तो किस साइंटिस्ट ने उस डिफिनेशन को बताया, उस साइंटिस्ट का नाम याद रखो, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज, जब आपका एक क्वेश्चन खत्म होता है तो आप एक लाइन खींचो, तो हमें समझ में आ जाता है कि ओके इन्होंने लाइन खींचा है, दैट मीन अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होगा और सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही पेज में 10 से 15 आंसर मत लिखो, एक पेज में 10 से 15 आंसर, एक पेज में दो ही आंसर लिखो, बट वो दो आंसर साफ साफ दिखने चाहिए, ये दो आंसर है, तो हमें वो चीजें ज्यादा आसानी समझ आते हैं और हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आपको देते हैं। तो लिखते सभी हैं, 100 मार्क्स अटेम्प्ट सभी करते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट सभी करते हैं, उसी में कोई 40 पाता है और कोई 60 पाता है, कोई 80 पा जाता है, कोई 90 पा जाता है। उसका मेन रीजन क्या होता है, मेन रीजन होता है उसका, उन्होंने डायग्राम नहीं बनाए थे चीजों के, उन्होंने जो हेडिंग्स थे उन हेडिंग्स को डार्क नहीं किया था, ब्लैक लाइन से डार्क नहीं किया था, उन्होंने साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा था, सन का नाम नहीं लिखा था कि किस सन में ये हुआ, उन्होंने फ्लो चार्ट नहीं तैयार किए थे, उन्होंने मैथमेटिक्स ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसको नीचे हेंस प्रूफ नहीं लिखा था, तो हमें वो चीजें कम समझ आती है कि इन्होंने प्रूफ नहीं लिखा हुआ है। साथ ही साथ जब मैथ में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बगल में एक रफ करो, और रफ भी साफ साफ करो, जिससे कि हमको समझ आ जाए कि अच्छा आप ही ने किया है, आपने किसी के साथ चेटिंग नहीं किया है, क्योंकि बगल में आप सॉल्व ही किए क्वेश्चन को, मतलब इस बच्चे को बहुत डीप नॉलेज था इस सब्जेक्ट के बारे में, तभी इसने सॉल्व करके आंसर को यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा खुद का एक्सपीरियंस देखता हूँ कि मुझे ऐसी ही कॉपियां चेक करना पसंद है जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, जो जो भी अभी लाइक एकेडमिक एग्जाम दे रहे होंगे, बीटेक का, बीई का, ट्वेल्थ का, हाई स्कूल का, नाइन्थ का, इन सब बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो कोशिश करिएगा कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज़।